हेलो एवरीवन, काफ़ी लंबे टाइम के बाद एच टेट 2023 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है टीजीटी पीजीटी पीआरटी के लिए। एलिजिबिलिटी एज क्या रहने वाली है, ये सारी चीज़ें हम नोटिफिकेशन में देखेंगे। काफ़ी लंबा जो है नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। सभी राज्य जो है आवेदन कर पाएंगे। बीएड, बीटीसी, जेबीटी, बीएसटीसी, डीएलएड, डीएड आपने किया है तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हैं। या फिर आपका अंतिम वर्ष भी चल रहा है अगर बीएड में या बीटीसी में, जेबीटी, बीएसटीसी, डीएलएड या डीएड में, तो भी आप यहां पर आवेदन कर पाएंगे। तो चलिए कंप्लीट नोटिफिकेशन सबसे पहले हम देखेंगे। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता तो 109 पेजों की ये पीडीएफ फाइल रहने वाली है। तो यहाँ पर जो मेन चीजें हैं वो मैं आप लोगों को बताती जाऊंगी। तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो यहाँ मांगी गई है क्लास 1 से 5 के शिक्षक बनने के लिए, तो यहाँ 50% अंकों के साथ वरिष्ठ माध्यमिक यानी 12th आपके पास हो, और मौलिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा बीटीसी, बीएसटीसी, डीलेड, जेबीटी अगर आपने किया है, ठीक है, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, या 2 वर्षीय डिप्लोमा के लास्ट ईयर में अगर आप हैं, अंतिम वर्ष में शामिल हैं, तो आप यहाँ पर एलिजिबल रहते हैं। इसी तरीके से कई ऑप्शन हैं। और दूसरा जो है यहाँ पर कि हिंदी या संस्कृत के साथ 10वीं, या फिर हिंदी जो है एक विषय के रूप में आपने 12th में या स्नातक में या स्नातकोत्तर में पढ़ी हो, ये 2 कंडीशन अगर आपके पास पूरी हो रही हैं, तो आप यहाँ पर 1 से 5 के शिक्षक बनने के लिए जो परीक्षा है उसमें शामिल हो सकते हैं। नेक्स्ट स्तर 2, कक्षा 6 से 8 तक के शिक्षक बनने के लिए टीजीटी की पोस्ट के लिए सामाजिक अध्ययन में बीटीसी, जेबीटी, डीलेड, डीएड वाले जो हैं वो बिल्कुल एलिजिबल हैं। सामाजिक विज्ञान शिक्षण विषय के रूप में अगर न्यूनतम 50% अंकों के साथ आपने ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल कर रखी हो, या फिर आपके पास जो है न्यूनतम 50% के साथ जो है डिग्री है सामाजिक विज्ञान में और बीएड आपने किया है, तो भी आप यहाँ पर शामिल हो सकते हैं और बिल्कुल अंतिम वर्ष वाले शामिल हो पाएंगे। स्नातक डिग्री में स्नातक पाठ्यक्रम के सभी 3 वर्षों के दौरान तीनों साल में कोई 2 विषय जो है आपने पढ़े हो और न्यूनतम 50% अंक जो है होने ही चाहिए। प्रत्येक विषय में कुल योग यहाँ पर लिखा है। तो ये जो 6 सब्जेक्ट यहाँ पर हैं, तो ग्रेजुएशन में आपने इन 6 में से 2 पढ़े हो और 50% अंक मांगे गए हैं स्नातक डिग्री में, इतिहास, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल, समाजशास्त्र या मनोविज्ञान, ठीक है। और उसके बाद जो कंडीशन है यहाँ पर कि 10th में जो है हिंदी या संस्कृत एक विषय के रूप में, या फिर उच्च शिक्षा में हिंदी एक विषय के रूप में अध्ययन किया हो। तो ये तीनों कंडीशन जो है सभी सब्जेक्ट में लागू होगी, जैसे साइंस है, गणित है, अंग्रेजी है, ठीक है, हिंदी है, उसके बाद संस्कृत है। तो यहाँ टीजीटी के लिए बीटीसी, जेबीटी, डीलेड, डीएड, बीएड वाले सभी जो है एलिजिबल हैं। और दूसरी कंडीशन बता दी है कि 10th क्लास में हिंदी या संस्कृत जो है अनिवार्य रूप से आपने पढ़ी हो, या फिर हायर एजुकेशन में आपके हिंदी एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ी होनी चाहिए। टीजीटी पंजाबी है, टीजीटी उर्दू है, फिजिकल एजुकेशन है, होम साइंस है, टीजीटी कला है, टीजीटी संगीत, तो ये जो है टीजीटी के लिए थे सभी, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं स्तर 3, जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर है पीजीटी। पीजीटी में जो सब्जेक्ट हैं अंग्रेजी, हिंदी, भूगोल, गृह विज्ञान, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, पंजाबी, उर्दू, इतिहास, तो इसके लिए जो यहाँ पर योग्यता मांगी गई है 50% अंकों के साथ आपने पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री ली हो और साथ में बीएड होना चाहिए। दूसरी कंडीशन है 10th में वही एक विषय के रूप में आपने हिंदी या संस्कृत पढ़ी हो, या फिर हायर एजुकेशन आपने हिंदी से की हो। और 3rd है अच्छा शैक्षणिक रिकॉर्ड यहाँ पर मांगा गया है। इसी तरीके से जो है पॉलिटिकल साइंस के लिए, संस्कृत के लिए, जीव विज्ञान के लिए, भौतिकी के लिए, रसायन विज्ञान, गणित, कॉमर्स, संगीत, ललित कला, कंप्यूटर विज्ञान, शारीरिक शिक्षा, ये सभी सब्जेक्ट रहेंगे, ठीक है। सिलेक्शन जो है वो कैसे रहेगा, तो ये केवल एक पात्रता परीक्षा है, हरियाणा टेट एच टेट के नाम से जो है जानी जा रही है। तो यहाँ पर जो है प्राथमिक शिक्षक पीआरटी के लिए, टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए, ये केवल एक पात्रता परीक्षा रहेगी। इसको क्लियर करने के बाद जो है आप लोगों का एक मेन्स का जो है एग्जाम रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 150 प्रश्न होंगे, परीक्षा की अवधि 2.5 घंटे की होगी, बहुत सरल रहेगा आपका क्वेश्चन पेपर, और नेगेटिव मार्किंग यहाँ नहीं रहेगी।
बाल विकास शिक्षा शास्त्र के 30 क्वेश्चन रहेंगे, हिंदी अंग्रेजी के जो है 15-15 30 क्वेश्चन रहेंगे, उसके बाद सामान्य अध्ययन के 30 क्वेश्चन रहेंगे, गणित के 30 रहेंगे और यहाँ पर पर्यावरण अध्ययन के 30 क्वेश्चन रहने वाले हैं। सिलेबस बिल्कुल दिया हुआ है और कहा है यहाँ पर कि 60% अंक यानी 60% यानी 90 अंक अनुसूचित जाति दिव्यांग को छोड़कर सभी श्रेणियों को लाने अनिवार्य रहेंगे। परीक्षा में कोई नकारात्मक अंकन नहीं होगा। इसी तरीके से जो है लेवल 2 TGT के लिए भी सिलेबस वही दिया हुआ है, बस ये जो लास्ट का जो 60 नंबर का है आपका आपके सब्जेक्ट से संबंधित तो होगा। इसी तरीके से जो है PGT की अगर हम देखें तो यहाँ पर भी जो है 60 जो क्वेश्चन रहेंगे आपके तो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेंगे। मेन वेबसाइट जो है इसकी हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा, तो आप यहाँ पर नीचे आएंगे, यहाँ पर न्यूज़ में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन बुलेटिन हिंदी में इंग्लिश में कंप्लीट नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। काफ़ी लंबा है, मेन मेन चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी हैं और एक प्रेस नोट जो कि पहले जारी हुआ था एच टेट एग्ज़ाम 2023, जैसे ही आप लोग इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पर जाएंगे तो ये कंप्लीट नोटिफिकेशन 109 पेजेस का है, ये आपके सामने होगा। ठीक है, सबसे पहले आप लोग आवेदन करने से पहले इसे अच्छे से पढ़ लेंगे, उसके बाद ही जो है वो आवेदन करें। यहाँ पर परीक्षा शुल्क जो दिया गया है, अगर आप एक स्तर के लिए आवेदन करेंगे तो 500 रुपये है और हरियाणा के जो निवासी हैं स्थायी निवासी अनुसूचित जाति और दिव्यांग उम्मीदवार के लिए 500 है, अगर दो स्तरों के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो 900, अगर तीनों के लिए करना चाहते हैं तो 1200। इसके अलावा जो उम्मीदवार हैं हरियाणा के जो मूल अधिवास स्थायी निवास के अनुसूचित जाति और दिव्यांग को छोड़कर उनकी 1000 है एक पेपर के लिए, दो के लिए 1800 है और तीन के लिए 2400 रहेगी। ठीक है, हरियाणा से बाहर के जो कैंडिडेट हैं अदर स्टेट वाले हैं तो उन सभी उम्मीदवार अनुसूचित जाति और दिव्यांग सहित यानी कि कोई भी आवेदन करे किसी भी कैटेगरी का तो एक पेपर के लिए 1000 हैं, दो पेपर के लिए 1800 हैं और तीन पेपर के लिए 2400 हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रणाली 30 अक्टूबर 2023, ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 10 नवंबर 2023 रहने वाली है। अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो विवरण में सुधार जो है 11 नवंबर 2023 से 12 नवंबर 2023 तक रहेगा। आवेदन करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर ही जो है आप लोगों को ग्रीन जो ये दिखाई दे रही है इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर एच टेट 2023 ये आपको नज़र आएगा, इस पर जो है आप लोग क्लिक करेंगे ये पेज ओपन होगा। यदि पहले से ही जो है रजिस्टर्ड हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, अगर आप न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा, उसके बाद ही जो है आप लोग यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो हरियाणा में अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो एच टेट क्वालिफाई करना बहुत ही जो है वो ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर PRT के लिए TGT PGT के शिक्षक बनने के लिए एच टेट जो है सभी में मांगा जाता है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।